बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब लोग हर वाफियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक उन तमाम बीमारों को शिफा अता फ़रमाए और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक सारे और नरीना औलाद अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिनकी औलाद नहीं है और वो औलाद चाहते हैं, यानी औलाद चाहते हैं कि उनको हमल नहीं ठहर रहा, हमल नहीं होता है ऐसी औरत को, तो ऐसी ख्वातीन के लिए ये अमल बहुत ही कारामद और बहुत ही फ़ायदेमंद है कि ऐसी ख्वातीन के जिनको शादी को 10 साल हो चुके हैं, 15 साल हो गए हैं या 1 साल हो गया, चाहते हैं कि हमें जल्दी बच्चा पैदा हो जाए, तो ये लोग ये अमल करें, इंशाअल्लाह इस अमल के बरकत से उनके घर में जल्दी औलाद होगी। अब वो लोगों ने इलाज करवाया है, मियां बीवी दोनों ने अपने टेस्ट भी करवा लिए हैं, हर चीज़ ओके होने के बावजूद भी हमल नहीं ठहर रहा, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो ऐसे लोगों की परेशानी का हाल भी देखने के काबिल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने इलाके का एक वाक्या बताता हूँ कि हमारे गांव में एक जोड़ा, उनकी शादी हुई तो उनकी शादी को तकरीबन कोई लगभग 5 से 7 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी औलाद नहीं हो पा रही। तो मेरे एक उस्ताद हैं जानने वाले, तो उनके पास मैं उनके पास ले गया उनको, कि उन दोनों को, मेरा दोस्त था वो गली का था, तो उनको मैं ले गया उनके पास, तो जाकर अपने उस्ताद के बताया मैंने कि इनकी शादी को इतना अरसा हो गया है तो उनकी औलाद नहीं हो रही। तो उन्होंने एक वजीफ़ा बताया था कि आप दोनों ये वजीफ़ा करें, ये अमल करें, इंशाल्लाह इससे आपके घर में बहुत जल्दी औलाद पैदा हो जाएगी। तो वो वजीफा आपको बता रहा हूँ क्या है, फिर आपको वाकया पूरा बताऊँगा कि उनके यहाँ औलाद कब और कैसे पैदा हुई। तो वो वजीफा ये है कि सूरतुल मुज़म्मिल ये पढ़नी है। इसके पढ़ने का तरीका ये है कि 2 गिलास दूध या 1 गिलास या 2 गिलास जितनी जिसकी जितनी गुंजाइश हो कि वो दूध लें, और दूध लेकर आप घर में रख लें। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे नमाज पढ़ लें, या शोहर मस्जिद में नमाज पढ़ लें और बीवी घर में नमाज पढ़ लें, तो घर में इकट्ठे होकर बैठ जाएं, दोनों ही कुरान पाक खोलकर बैठ जाएं और अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और 21 मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़ लें। 21 मरतबा शोहर पढ़ें और 21 मरतबा ही बीवी सूरत मुज़म्मिल को पढ़ लें, और ये 21 रात तक लोगों उन दोनों अमल करें, और अमल करने के बाद दूध के ऊपर दम कर दें, फिर वो दूध दोनों पी लें। अगर 1 गिलास है तो पहले आधा गिलास शोहर पी लें फिर बीवी पी लें, और अगर 2 गिलास हैं तो दोनों मियाँ बीवी आधा आधा गिलास पी कर फिर वो गिलास बदल लें, यानी आधा गिलास बीवी पी लें फिर जो बच्चे वो शोहर को दें, और जो शोहर ने आधा गिलास पानी आधा गिलास दूध का पी लिया था, बाकी जो बच गए हैं वो अपनी बीवी को दें। इस तरह ये अदल बदल करके दूध को पी लें, तो 21 दिन तक यही अमल करें, इंशाल्लाह इसी दौरान उन बीवी को हमल ठहर जाएगा। और अगर ये इसमें कोई नागा हो जाए, पहले कोशिश करें कि नागा इसमें ना हो, और अगर किसी वजह से नागा हो भी जाए, अगर वो उज़र शरी हो तो फिर तो कोई बात नहीं है, और अगर कोई उज़र और पैदा हो गया है, कहीं चले गए हैं, टाइम नहीं मिला या आँख लग गई है, तो फिर दोबारा नए सिरे से ये अमल करना होगा। तो इस तरह आप लोगों ने अमल करना है, इंशाल्लाह हमल ठहर जाएगा और बच्चा पैदा होगा और आपके घर में खुशियाँ पैदा हो जाएंगी। अब चलते हैं कि जब मेरा दोस्त है उन्होंने ये अमल किया, तो उन्होंने ये अमल किया तो मेरा दोस्त बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह के इसी दौरान ही मेरी बीवी को हमल ठहर गया और उस घर में खुशियाँ पैदा हुई कि 9 माह के बाद जो है वो बेटा पैदा हुआ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह के इस वाक्य को काफ़ी अर्सा हो गया है, मैंने पहले ये वीडियो नहीं बनाई थी लेकिन आज मैं बना रहा हूँ ये वीडियो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस दोस्त के अब 3 बच्चे हैं, यही अमल किया है, तो अब उसके घर में 3 बच्चे खुशियाँ ही खुशियाँ दौड़ रही हैं, घर के आंगन में बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे जो कि छोटे खिलौना होते हैं, घर माँ बाप की खुशी होती है, माँ बाप की आँखों का वो तारा होते हैं, तो आप लोग भी ये अमल कर लें और अपने घर में खुशियाँ पैदा करें, और इस तरह आपकी जो परेशानियाँ वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दुआ है कि अल्लाह पाक उन तमाम जोड़ों को नेक और सालेह औलाद अता फरमाए जो बे औलाद हैं, और तमाम इंसानों को तमाम खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।